हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आईडीएस क्लासेस में। मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से एंड सही डायरेक्शन में चल रही है। चलिए इस वीडियो में आपको एक जेई की पोस्ट बताता हूँ जिसमें मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए कॉमन होती है। ये कौन सी पोस्ट है, ये कहाँ से आपको समझ में आएगा? जब आप फॉर्म भरते हो तो आपको ये सारे पोस्ट दिखते हैं, और आप जब फॉर्म भरोगे तो बहुत सारे पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होते हो। तो उस टाइम आपको ये पता होना चाहिए कि किस जॉब प्रोफाइल की क्या, मतलब जो कौन सी जो पोस्ट आप भर रहे हो उसकी जॉब प्रोफाइल क्या है। अदरवाइज़ अगर आप गलत चूज़ करोगे, इन फ्यूचर में जाकर आपको रिग्रेट फील हो सकता है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो डीजल सेड होती है उसमें आपका मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए डीजल मैकेनिकल ऑब्लिक इलेक्ट्रिकल जेई की एक पोस्ट होती है, और इसमें हम लोग समझेंगे कि उसमें वर्क प्रोफाइल क्या होती है। एक आपको एक ओवरव्यू पता चल जाएगा जिससे आप जब पोस्ट का सिलेक्शन करोगे ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, तो वो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। आपको एक समझ में एक आइडिया लग जाएगा, चलो यार ये पोस्ट में डाल रहा हूँ तो इसकी जॉब प्रोफाइल कुछ इस तरीके से होती है। तो देखो, आप देख सकते हो यहाँ पर 17 नंबर जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे डिपार्टमेंट रहता है आपका, यहाँ पे आपका लोको सेड, ठीक है, ब्रांच आपको दिख रहा होगा मैकेनिकल, एंड जो आपकी जेई की जो पोस्ट है डीजल मैकेनिकल। उसी तरीके से जब आप नीचे जब आती हो, आप 14 नंबर का पोस्ट आप देख सकते हो, ये भी मैकेनिकल का है, बट इसमें देख सकते हो आप ये भी लोको सेड डिपार्टमेंट है एंड डीजल डीजल इलेक्ट्रिकल। भाई ये क्या चीज़ होती है? देखो, सेड क्या होता है, आप जब कभी भी ट्रेवल करते हो या कभी सफ़र करते हो तो थोड़ा इंजन में आप गौर करना, किसी जगह का नाम लिखा हुआ रहता है। आप जहाँ पर भी आसपास रह रहे होंगे तो कुछ भी एक नाम जो लिखा हुआ आपको वहाँ पे दिखता है, इसका मतलब क्या हुआ भाई कि वो जो लोको है, वो जो लोकोमोटिव है, उस जगह से वो, मतलब उसकी सारी मेंटेनेंस हो रही होगी, ठीक है, बना कहीं और होगा, ठीक है, और मिला किसी और को होगा तो उसके अंडर में वो मेंटेनेंस होती है। अब मैं बात कर रहा हूँ इस पर डीजल लोको सेट के बारे में। तो भाई जो डीजल इंजन्स होते हैं आपको पता होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस करोगे भाई, तो सबसे पहले क्या होगा, उसमें जो अल्टरनेटर रहता है, उसमें जो शाफ्ट रहती है, उसको घुमाना पड़ेगा, और उसको घुमाने के लिए कहीं से तो हमको भाई एनर्जी प्रोड्यूस करना पड़ेगा मैकेनिकली ना, तब ना आप इलेक्ट्रिकल करंट आप प्रोड्यूस करोगे, तब जाके आपकी जो लोकोमोटिव है आपकी मूव करेगी। तो जब आप इसमें, आप ये तो समझ में आ गया भाई, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल दोनों बंदे का रोल होता है। तो देखो, जो इलेक्ट्रिकल का जो पोर्शन होता है वो इलेक्ट्रिकल के जो पर्सन होते हैं वो देखते हैं जेई वाले जो होते हैं, एंड जो मैकेनिकल वाला जो पोर्शन होता है उसमें आप बहुत सारा चीज, जैसे कि नॉर्मल अगर मैं बात करूं आईसी इंजन की कंबशन प्रोसेस, आप देखते हो यार पिस्टन होते हैं वहां पे आपको पावर मिलता है और आपकी गाड़ी क्या दौड़ती है, उसी तरह से कार में भी बहुत सारे इंजन्स, अपने इंजन्स का टाइप की जो शेप पड़े होंगे, बी ब्लॉक, इनलाइन इंजन्स, ये सब पढ़ते हो ना, तो भाई ये सब सारे पोर्शन जो आता है मैकेनिकल के आता है। जब आप यहां पे एज ए जेई आप बनते हो डीजल मैकेनिकल ऑब्लिक इलेक्ट्रिकल के, तो अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हो तो भाई आपको इलेक्ट्रिकल का जो पोर्शन होता है, माइक्रो प्रोसेसर हो गया आपका, अल्टरनेटर हो गया, ठीक है, तो वो सब सारा चीज़ आप मेंटेन करोगे, और जो आप मैकेनिकल वाले बंदे रहेंगे वो मैकेनिकल का पोर्शन आपका जो है वो मेंटेन करेंगे। और सबसे खास बात इस पोस्ट की ये है कि आपका एक फिक्स्ड प्लेस होगा। सेड का मतलब भैया कि एक जगह में आप वहाँ पर रहोगे, ठीक है, शिफ्ट वाइज आपकी ड्यूटी रहेगी, आप जेई बनोगे एसएससी बनोगे उसी जगह पर रहोगे, और आपको उस लोको का एक मेंटेनेंस होता है कि भाई चलो इतना टाइम हो गया, तो फिर जब आपकी वो लोको आपकी उस सेड में आएगी तो मतलब समझो आप उसकी सर्विसिंग होने वाली है। इसको अगर आप नॉर्मल भाषा में समझो कि सर्विसिंग अगर होगी ज़्यादा टाइम तक चलेगी, हो सकती है भाई आप उसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आई होगी तो कुछ चेंज करना होगा उस लोकोमोटिव में। तो इस तरीके से जो डीजल मैकेनिकल ऑब्लिक इलेक्ट्रिकल के जेई होते हैं भाई, टाइम टू टाइम वो जो आपकी जो लोकोमोटिव होती है ना उसका मेंटेनेंस वो करते रहते हैं। तो ये आपको वहाँ पे देखना है, आपके अंडर में ग्रुप डी टेक्नीशियंस के पोस्ट के जो आपके स्टाफ्स रहेंगे उनके साथ मिलकर आपको अच्छे से काम करना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया कि डीजल ऑब्लिक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल ब्रांच के जितने भी सारे कैंडिडेट हो, तो जब भी आप फॉर्म भरो तो जब ये आपको दिखे ना डीजल सेड डीजल मैकेनिकल ऑब्लिक इलेक्ट्रिकल जेई पोस्ट, तो आपको ये समझ में आ जाएगा यार ये तो डीजल इंजन जो होती है उसके बारे में ये रिलेट करता है। एक जगह का भाई ये आपका नौकरी रहेगा, एक जगह में रहना है, शिफ्ट वाइज में ड्यूटी रहेगी, ठीक है, और उस इंजन से रिलेटेड अगर आप मैकेनिकल हो तो मैकेनिकल का काम देख लो, इलेक्ट्रिकल वाला बंदा रहेगा तो वो इलेक्ट्रिकल का काम देखेगा। उसमें भी देख रहा बहुत सारे मैकेनिकल के पोर्शन में आपने पढ़ा होगा टर्बो चार्जर, अगर आप मैकेनिकल वाले हो तो आपको पता होना चाहिए कि टर्बो चार्जर का काम क्या रहता है, अल्टरनेटर, रेक्टिफायर कैसे एसी से डीसी में कन्वर्ट करना है, ये सारे इलेक्ट्रिकल वाले बंदों को अच्छे से पता होगा। तो जब आप एज जेई और एसएससी बनते हो इस फील्ड में तो इन सारी चीज़ को आपको जानकारी मिलती है डीजल मैकेनिकल ऑब्लिक इलेक्ट्रिकल जेई पोस्ट में। आई होप ये पोस्ट आपको क्लियर हो गया होगा, एक ओवरव्यू लग गया होगा कि देखो, आपको मैंने यहाँ पे वीडियो भी दिखाया था कि देखो यार कुछ इस तरीके से जो है ये यहाँ सेड में काम होती है। और फिर भी अगर जो नेक्स्ट दूसरे पोस्ट होते हैं आपके मैकेनिकल के चाहे इलेक्ट्रिकल के, धीरे धीरे इस तरीके से मैं आपको एक एक वीडियो की हेल्प से अपडेट करूंगा, और आप जब फॉर्म भरोगे तो आपके माइंड में एक क्लियरिटी रहेगी कि मुझे कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस डालना है, ठीक है।
मेरे को ये बताना यार, डीजल सेड में जो ये काम होती है, जब आप काम करोगे तो मतलब ये आपका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा? मतलब आपको वाकई में मज़ा आएगा यहाँ पे? एक जगह काम रहेगी, मैकेनिकल वाले जो बंदे होते हैं, बहुत सारे इंजन डिवाइसेस पढ़ते हो यार, यहाँ पे सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा, कंप्रेशर, इंपेलर, टर्बो चार्जर, हर चीज़ यहाँ पे देखने को मिलने वाला आपको। इलेक्ट्रिकल वाले जो बंदे रहते हैं उनको भी बहुत सारे चीज़ माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड रहेगा, चाहे आपका रेक्टिफायर रहेगा, अल्टरनेटर रहेगा, ठीक है, और भी बहुत सारे डिवाइस होते हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।